Hello developers, I am Nikhil Gupta and welcome to the NK Source Guide platform. And today we are going to learn about loop and its types. तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड अब सोर्स गाइड को लिखने से पहले कुछ समझते हैं. तो व्हाट इज लूप? अक्का लूप, ठीक है. व्हाट इज लूपिंग? अनदर नोइंग एब्रीविएशन लूप. इन जनरल लूपिंग मीन्स रिपीटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन. When we talk about repeating, then there is two way. Either you repeat numbers of times as you want or infinite. तो friend, generally looping का मतलब होता है repeat करना. कुछ भी हो उसको repeat करना बार बार. तो जब भी हम लोग बात करेंगे repeating की, तो वहाँ पर दो तरीके से हो सकता है. या तो हम बोलेंगे इतना number of times तक repeat हो, इतनी बार repeat हो, या फिर बोलेंगे repeat होता रहे, infinite. और फ्रेंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लूप का यूज है, पहला इटरेशन एंड मैपिंग, दूसरा नंबर सीरीज, तीसरा क्रिएटिंग समथिंग इन अ लार्ज नंबर्स, फोर्थ है अरेंजिंग नंबर, फिफ्थ डिलीटिंग सम वैल्यू ऑफ एन एरे, सिक्स अपडेट सम वैल्यू ऑफ एन एरे एंड मच मोर, ठीक है. फ्रेंड अगर यहाँ पर टाइप्स की बात करें तो पहला है फॉर, ये सबको पता ही होगा, वाइल डू वाइल. और ये दो दो है फॉर इन एंड फॉर आउट, ये यहाँ पर दो नए लग रहे होंगे, तो ये भी चीज को हम लोग देखेंगे. तो ये था आपका डेफिनेशन और इसका टाइप्स. और फ्रेंड कुछ एप्लीकेशन आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में करके समझते हैं कि इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर देखो मैंने हमेशा अलग अलग फोल्डर बनाता हूँ. आज भी मैंने एक लूप फोल्डर बनाया है और ये जो notes.txt है उसी के अंदर है. अब यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड. तो इसको मैं लिख देता हूँ example1.html. अब जावास्क्रिप्ट का कोड को लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये दिया और मैं यहाँ पर कोई भी एक एरे बना देता हूँ. और फ्रेंड अगर आप लोगों को नहीं पता है एरे क्या होता है तो प्रीवियस वीडियो फ्रेंड देख लो, इसको देखने से पहले तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं एक एरे बनाऊंगा और ये उसका सिंटेक्स है और यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट देंगे. और यहाँ पर जो एरे है फ्रेंड ये डायनेमिक टाइप है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि जैसे C++ जावा की तरह, अगर वो इंटीजर है तो इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करके रखना पड़े, या फिर वो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही रखना पड़े, या फिर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रखना पड़े, और बाकी फ्लोट डबल है तो उसी टाइप की डेटा को रखना पड़े. यहाँ पर आप लोग किसी भी टाइप की डेटा को रख सकते हो. तो अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ नंबर दूंगा. तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर एरे बना दिया और यहाँ पर नंबर्स को रख दिया और ये फॉर लूप का सिंटेक्स है, ठीक है फ्रेंड. तो फॉर लूप जो है, पहले देखिए यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा और उसके बाद ये सेमी कलन देख के कंडीशन होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, दोनों में कोई एक हो सकता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पर ये जो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक तो चलेगा, जैसे ही फॉल्स होगा लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड. तो इसको हम लोग सिंपल सा करके देखते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, मैंने बताया था इसका एप्लीकेशन में इटरेशन एंड मैपिंग. तो ये जो इटरेशन है ये चीज मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है. मैं एक थिंग देखिए और एक और चीज मैंने किया है कि यहाँ पर देखिए अगर एक स्टेटमेंट है तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक ये नहीं बनाया, ठीक है फ्रेंड. अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा है, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है. उस फॉर लूप के चलने पर ये जो स्टेटमेंट है बार बार चले, कहने का मतलब यही है. तो यहाँ पर फॉर दिया और मैं इनिशियलाइजेशन बात कर रहा हूँ तो कोई भी वैल्यू दे दो. अभी वार यूज करता हूँ, इक्वल टू जीरो. आई कितने बार चला होगा आपको, 10, और आई इंक्रीमेंट होता रहे या फिर 5 कर देता हूँ. अब देखो फ्रेंड मैंने ये चीज कर दिया, या फिर सिंपली आप लोग ये वार नहीं भी लिखोगे तो ये हो जाएगा. अब मैं कंसोल पे नहीं डॉक्यूमेंट पे ही करता हूँ, डॉक्यूमेंट
डॉट राइट, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे लिखोगे आप लोग तो एचटीएमएल का पार्सिंग हो सकता है। मैं क्या करूंगा, पहले वैल्यू मतलब आई, उसके बाद मैं क्या करूंगा लाइन चेंज हो जाए, ठीक है, तो बी आर टैग का यूज कर सकता हूँ। और साथ में मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपको ये भी पता चले जैसे कि हेलो, ठीक है, तो हेलो। और ये क्योंकि देखिए ये जो लूप चलेगा बेस्ट ऑन कंडीशन, जब तक आई लेस देन 5 रहेगा तब तक ये लूप चलेगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है। और ये जो पार्ट है फ्रेंड्स ओनली वन टाइम, ठीक है, एग्जीक्यूट होता है, और ये जो है बार बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फ्रेंड ये जो कंडीशन चेक बार बार करना है, और ये जो चीज है ये भी बार बार होगा, ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक होगा, अगर फॉल्स रहेगा तो क्या होगा, अब ये चीज नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो किया मैंने सेव, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हेलो 0, हेलो 1, 2, 3, 4, ठीक है फ्रेंड। अगर मैं यहाँ पर कर देता यहाँ 1 से आए और लेस देन या फिर इक्वल टू 5 तक चले, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक चलता है। इसको किया मैंने सेव, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5। फ्रेंड इसी तरह इसको वाइल और डू वाइल से भी करके देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ये जो मैंने एरे दिया है तब मैं बताऊंगा एप्लीकेशन की किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो फ्रेंड अब देखिए यहाँ पर वाइल डू, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ ट्रू कंडीशन देंगे, ठीक है, और अगर वो ट्रू रहेगा, जब तक ट्रू रहेगा तब तक इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो रिपीट होते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट प्लस डिक्रीमेंट दो, जैसे नॉर्मल लूप यूज करते हैं उस तरह से, या फिर व्हाइल लूप कंडीशन रिप्लेसमेंट स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट दो जो क्या कर रहा है, वो जो कंडीशन है यहाँ पर उसको रिप्लेस कर रहा है। जैसे ये ट्रू था, ठीक है, स्टार्टिंग में ये ट्रू था और यहाँ पर इसको इसको रिप्लेसमेंट करने से ये फॉल्स हो गया, तो तब क्या होगा, जब तक ट्रू रहेगा इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही फॉल्स होता है अभी इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड, मतलब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर कोई स्टेटमेंट होगा तो सीधे बाहर आके ये जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, जैसे देखिए बार फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर मैंने व्हाइल यूज किया और यहाँ पर सिंपली मैंने कर दिया फ्लैग, ठीक है, और एक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक स्टेटमेंट है, उसके बाद मैंने क्या कर दिया ये जो फ्लैग है इसको कर दिया फॉल्स। तो अब क्या होगा फ्रेंड, क्योंकि देखिए ये जो है अभी ट्रू है, ठीक है, ट्रू होने की वजह से ये आया, ये लाइन एक बार प्रिंट होगा, अब ऐसे ये जो नेक्स्ट लाइन में आया अब फ्लैग हो गया फॉल्स, तो फिर जब यहाँ पर आएगा तो फ्लैग हो गया फॉल्स, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। इसको मैंने किया सेव, अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि देखो मैंने लाइन नहीं चेंज किया इसके वजह से ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो हेलो जावास्क्रिप्ट और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब इसको फ्रेंड ये जो है ये लूप की तरह कैसे यूज करें, तो देखो अगर उसको लूप की तरह यूज करना है इटरेट करने के लिए, तो यहाँ पर देता हूँ मैं इटरेटर या फिर आई इक्वल टू, फिलहाल क्या है ये 1 है या फिर 0 है, ठीक है, व्हाइल मैं यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा आई जब तक लेस देन 5 है, सेम तो यहाँ से ये कॉपी करता हूँ मैं। और फ्रेंड यहाँ पर ऐसे मैंने इसको कर दिया, अब देखो आई लेस देन 5
अब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो अब क्या होगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा है जो ये जो कंडीशन है इसको रिप्लेस करता हो, तो ये क्या होगा फिर। तो फ्रेंड ये प्रॉब्लम आ जाएगा, यू कैन वेट फॉर इट टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एग्जिट द पेज। तो अभी तो यहाँ पर ही आ रहा है, इसको समझने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा इसको कंसोल पे। console.log अब देखिए इसके बाद कोई भी चीज नहीं है तो कर दिया मैंने। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सेम स्टेटमेंट, ठीक है, हेलो जीरो, क्योंकि अपडेट भी नहीं हो रहा है वो आई, तो हेलो जीरो जब तक ये इनफाइनाइट हो गया है, क्योंकि ये बार बार क्या है ट्रू है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कंडीशन है इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीमेंट कर दो, आई प्लस इक्वल टू वन, ठीक है। इसको किया मैंने सेव, अब मैं फिर से इसको गो लाइव करता हूँ क्योंकि मैंने क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो हेलो जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब जो नॉर्मल आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे ये फॉर लूप, उसी की तरह वाइल लूप को भी यूज करके मैंने बता दिया। तो फ्रेंड अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कर देता हूँ कमेंट। और दूसरा जो फ्रेंड है डू वाइल, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ये जो डू वाइल का यूज ना के बराबर, ठीक है फ्रेंड, रेयरली रेयर केस में खाली यूज होता है। ऐसे ये करता क्या है मैं आपको बता दूँ, इसका सिंटेक्स है। तो फ्रेंड डू वाइल में क्या है, ये क्या करता है, सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, अगर गिवन कंडीशन जो है वो फॉल्स भी होगा तभी भी सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ही। क्यों करता है, क्योंकि बिकॉज कंडीशन इज चेक आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द ब्लॉक, बट इन व्हाइल लूप कंडीशन इज चेक एट फर्स्ट। सही है फ्रेंड, क्योंकि व्हाइल लूप में देखिए पहले ही कंडीशन को चेक किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले डू मतलब कोई स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करो तब उसके बाद ये कंडीशन चेक करो। तो ये जब यहाँ पर भी सेम, जब तक ट्रू रहेगा कंडीशन वो जो इसके ब्लॉक के अंदर जितना भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा जब तक ट्रू रहेगा, और जैसे ही फॉल्स होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा और जो बाकी का नेक्स्ट स्टेटमेंट है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो फ्रेंड फॉर एग्जाम्पल देखिए वार फ्लैग इक्वल टू, देखिए अब ये पहले ही फॉल्स है, ठीक है फ्रेंड, और मैंने बोल दिया डू मतलब स्टेट कुछ भी हो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करो, कब तक करो ये भी बोल दिया, जब ये फ्लैग जो है जब तक ये जो फ्लैग है वो ट्रू रहता है तब तक, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, ठीक है फ्रेंड, अब ये क्या करेगा डू इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, और ये हेलो वर्ल्ड आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे। अब ये देखिए यहाँ पर फ्लैग ट्रू, अब ये ट्रू है ही नहीं फॉल्स है, तो फॉल्स होने की वजह से अब ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में। और ये इसका नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिख देता हूं इसको मैं। अब देखते हैं फ्रेंड, तो यहां पर देखिए हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब यही चीज व्हाइल लूप होता तो क्या होता, तो अब देखिए व्हाइल लूप के केस में तब आपको समझ में आ जाएगा कि डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है। अगर मैं वाइल में सेम चीज करता फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ठीक है मैं वही सेम चीज लिख रहा हूँ यहाँ से, और ये देखिए क्योंकि ये पहले ही कंडीशन चेक कर रहा है, अगर फ्लैग ट्रू है तभी ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर, अगर ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा सीधा बाहर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो
यहाँ पर आप भी देख सकते हैं सिर्फ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आया, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले ही कंडीशन चेक हो रहा है, यहाँ पर पहले कंडीशन नहीं चेक हो रहा है। पहले कोई भी स्टेटमेंट हो उसको एग्जीक्यूट करो, उसके बाद कंडीशन को चेक करो। तो ये डिफरेंस है डू व्हाइल और व्हाइल में। तो फ्रेंड आई होप कि आप लोगों को ये जो तीनों लूप है फॉर व्हाइल डू व्हाइल ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, वैसे भी फ्रेंड देखिए ये जो है ना फॉर व्हाइल डू व्हाइल ये जो जिसको बोलते हैं हम लोग मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसका नॉलेज होना आई थिंक बिफोर जावास्क्रिप्ट पढ़ने से पहले होना चाहिए। और फ्रेंड अगर नॉलेज नहीं भी था तो मैंने यहाँ पर फिर से बता दिया है, तो आप लोग इसको अगर रिपीट करके देखते हो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को रिपीट कर लो सिंपल। अब देखते हैं इसमें क्या एप्लीकेशन ऐसा करूं मैं, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर बता ही दिया, इटरेशन मैपिंग नंबर सीरीज क्रिएटिंग समथिंग इन अ लार्ज नंबर अरेंजिंग एरे डिलीटिंग सम वैल्यू ऑफ एन एरे और ये सब। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका जो है ना ये सब जितना भी इसमें एलिमेंट है नंबर एलिमेंट वो सम होके आ जाए। तो यार सम इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो लूप चलाऊंगा आई इक्वल टू 0, और आई कब तक चलाऊंगा, क्योंकि मुझे इन सबको जोड़ना है, ठीक है, इससे 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 इसको फिर ये एक के बाद एक करके जोड़ना है, मतलब सबको जोड़ना है। तो एरे क्योंकि ऑब्जेक्टिव फ्रेंड मैंने बताया था, तो इसका एक प्रॉपर्टी है लेंथ, arr.length, ठीक है, और आई को मैं इंक्रीमेंट करते रहूंगा। अब क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट की जरूरत है, तो सम प्लस इक्वल टू, अब क्या मुझे चाहिए इस एरे की एक एक एलिमेंट आए, या फिर आप लोग सम इक्वल टू 0 है तो सम प्लस लिख दो, के बाद इंडेक्स के थ्रू हम लोग एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, मैंने ये बताया था। तो एरे और यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद मैं कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम ऑफ दी एरे एलिमेंट इज प्लस सम, ये हो गया। तो मैंने किया इसको सेव, तो यहाँ पर देखिए 443, ठीक है फ्रेंड, इन सब एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद ये आया 443। तो अभी मैं फ्रेंड वार कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल होगा होस्टिंग का, उसको पढ़ने के बाद ये जो वार कीवर्ड है इसका यूज ही नहीं करना है हमको, ठीक है, क्यों नहीं यूज करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अब ये देखिए अब मुझे क्या करना है, ये एक एप्लीकेशन ऐसे हो गया। आप लोग बहुत सारे कर सकते हैं, आप लोग सिंपली नेट पे जाके फाइंड कर सकते हो कि एरे से हम लोग क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है, और उसको यूज करके आप लोग अपना जो लॉजिक है उसको बिल्ड करने में हेल्पफुल रहेगा। नेट से क्वेश्चन सर्च करो और उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करो। अब देखो मुझे क्या करना है, अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है। तो फिलहाल मुझे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं पता, SMALLEST, ठीक है, नहीं पता, तो मैं क्या लिख दूंगा, 0 0 लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब मुझे करना ये होगा, देखिए अभी मैंने फॉर लूप का यूज किया था, अब मैं व्हाइल लूप का यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि सबका यूज होगा तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर वैर और एक इंडेक्स के लिए अभी फिलहाल 0 ही रखता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखो इंडेक्स इज लेस देन कर दूंगा जितना एरे का लेंथ है, एरे डॉट lengthh। अब वो एरे नहीं दिख रहा है आपको, तो ये रहा, इसको मैं
वहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा इफ स्मॉलेस्ट, तो फ्रेंड ये कंडीशन देने से पहले देखिए, मुझे स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट पता नहीं कि किसमें से कौन सा एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट है, तो मैं यहाँ पर ये चीज कर सकता था, ठीक है, कि ARR और जो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो स्मॉलेस्ट है, मतलब ये कौन सा हुआ, 120 हुआ, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगा अगर स्मॉलेस्ट बड़ा है, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट से, नेक्स्ट एलिमेंट्स मतलब 3456 अगर बड़ा होगा तो स्मॉलेस्ट में क्या कर दूंगा, नेक्स्ट वाला एलिमेंट को कर दूंगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए ARR और दूसरा मुझे यहाँ पर इंडेक्स मिल रहा है INDEX, ठीक है। अगर ये चीज हुआ तो स्मॉलेस्ट में मैं क्या कर दूंगा ARR और ये वैल्यू। अब हर बार मैं इंडेक्स को इंक्रीमेंट करता रहूंगा प्लस इक्वल टू 1, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से ये हो गया। अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर ऑफ एन एरे इज प्लस, अब स्मॉलेस्ट में आ गया होगा स्मॉलेस्ट, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ मैंने सेव, अब देखते हैं, ठीक है, तो 9, तो यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट है आप भी देख सकते हैं 9 है, तो आप लोग बिगेस्ट फाइंड करना होगा, तो अब ये नहीं, ये चीज आप लोग करोगे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जब स्मॉलेस्ट फाइंड करने आ गया तो लार्जेस्ट भी आप लोग इजिली फाइंड कर पाओगे। तो मैं क्या कर देता हूँ इसको भी कमेंट। तो फ्रेंड ये होमवर्क है जो कि आप लोगों को करना है, ठीक है फ्रेंड, और इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सेंड करना होगा तो यहाँ पर ये मेरा ईमेल है nikhilmadesia@gmail.com, तो इस पर सेंड कर सकते हैं विथ नेम, ठीक है फ्रेंड, और इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो फ्रेंड होप आप लोगों इसको नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो मैं आप लोगों को दो और जो नए लूप है, ठीक है, उनसे मिलवाता हूँ, फॉर इन एंड फॉर ऑफ। तो मैं इसी में देखो दूसरा एक फाइल बना देता हूँ और मैं इसमें सिर्फ बता दूंगा, क्योंकि ये कुछ नया चीज नहीं है, सिर्फ अपडेटेड है, एग्जाम्पल 2.html, ठीक है। तो फॉर ऑफ का बता देता हूँ, इसी एरे को ले लेता हूँ मैं। अब ये क्या करेगा मैं सिंपल बता दूंगा आपको, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये मैंने ये एरे लिया, ठीक है फ्रेंड। अब फॉर ऑफ लूप, ठीक है फ्रेंड, फॉर ऑफ लूप इसका जो सिंटेक्स है सिंपली फॉर, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग स्कोप डिफाइनर लेट कॉन्स कुछ भी है, वैल्यू ऑफ एरिया, ठीक है। तो मतलब ये कि जितना भी इस एरिया में एक एक जो वैल्यू है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके इसमें आएगा, ठीक है, और जितना इसका लेंथ है उतनी बार ये जो फॉर लूप चलेगा। तो मतलब ये फॉर वैल्यू ऑफ ARR, ठीक है, और इसको डॉक्यूमेंट डॉट वैल्यू प्लस और ये BI टैग से लाइन ब्रेक करने के लिए। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये जो क्या करता है वैल्यू रिटर्न करता है और वैल्यू ये, अब ये क्या रिटर्न करता है, ये जो लूप है इट विल रिटर्न वैल्यू इच रिटर्न इच एलिमेंट ऑफ एंड एरे,
ठीक है। अब ये जो है फॉर इन, फॉर की को या फिर इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न ईच की और एन इंडेक्स ऑफ एन एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट्स का की रिटर्न करेगा, तो मैं इसको यहाँ पर मैं ले देखता हूँ आई एन डी एक्स इंडेक्स, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है इसलिए, और यहाँ पर इन, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये सिर्फ इंडेक्स रिटर्न करके देगा आप लोगों को 0 1 2 3, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि इसमें जो है 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। और एरे का काउंटिंग 0 से ही होता है, इसका इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स होता है 0। अब जैसे ही मुझे इंडेक्स मिल जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता हूँ एरे, और इसमें लिख दो इस तरह से, क्योंकि जब मुझे इंडेक्स मिल रहा है तो उस इंडेक्स का वैल्यू भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैंने किया सेव। तो यहाँ पर देखिए, तो फ्रेंड ये यूज है फॉर इन और फॉर ऑफ का। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और इजी लगा होगा तो फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड शेयर कीजिए, और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल रिंग को हिट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।